अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिक फिजिक्स पर लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इसके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम, और एग्जांपल इसके देखेंगे। आउटलाइन है आज के हमारे लेक्चर्स की, जिसमें सबसे पहले हम सेंट्रीपेटल फोर्स को डिफाइन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन फार्मूला उसको डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेली लाइफ एग्जाम्पल उसकी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स हम कैसे कहते हैं? ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी आपके पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाए, सर्कल में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। ये बॉडी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दायरे में घुमाया जाती है तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ देखें, इट इज़ अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, ऐसी फोर्स जो बॉडी को घुमाए रखे सर्कल फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और इसकी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इसकी इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी फॉलो अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, कर्व्ड पाथ किस तरह से होता है? सर्कल पाथ किस तरह से कर्व बन जाएगा? ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर इस तरह से स्ट्रेट में कर रही है तो कर्व पाथ में अगर कोई जो फोर्स है उसको घुमाए रखे किसी भी ऑब्जेक्ट को, कर्व पाथ में को फॉलो करे या उसमें घुमाए, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। अब फोर्स आपके पास कोई भी होगी उसको हम कहेंगे, उसके जो यूनिट्स होंगे वो हमेशा न्यूटन होते हैं। ठीक है, फोर्स कोई भी हो उसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और इस फोर्स को जो हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स है इसको हम डिनोट करते हैं एफ सी से। ठीक है, फोर्स को हम सिंपल फोर्स हो तो उसको एफ से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास सेंट्रीपेटल फोर्स है तो उसके बेस में हम क्या करते हैं? छोटा सा सी, स्मॉल सी लगा देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ आपके पास आए तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, एफ सी से डिनोट करते हैं। अब इस सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, और उसको हम स्मॉल ए सी से डिनोट करते हैं। ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि ये जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है। किस वजह से? कि वो भी क्या है कि ये अगर आपके पास एक सर्कल है तो वो भी यहाँ से अगर कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसका सेंटर है, तो इसका जो एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। और वो भी किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसको हम ए सी से डिनोट करते हैं। और यूनिट्स आपको मैंने बता दिया कि कोई भी फोर्स है उसके यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। अब इसका जो फार्मूला है उससे अकॉर्डिंग हम इसके यूनिट्स निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी न्यूटन के इक्वल है। और जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है, सिंपल हम एक्सीलरेशन जो पढ़ते हैं उसकी वैल्यू होती है आपके पास, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन अगर करें तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी ओवर टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है आपके पास वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, इसकी कंप्लीट एक कैलकुलेशन है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की, एक्सप्रेशन इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, वो मैथमेटिकली है, तो वो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट मैं आपको वैसे अंडरस्टैंड के लिए बता रही हूँ कि जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है वो वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि अगर
परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर को हम तरह से साइन से भी शो कर सकते हैं। अगर आप पूरा ना लिखना चाहें ये ना साइन लगा के आगे ए आर लगा दें या जस्ट साइन भी लगा दें फिर देन भी ठीक है आपके। तो सेंटीपेटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। कि ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो जो सेंटीपेटल फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ वेलोसिटी देन इट कैन चेंज आइदर इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब आप देखें दो यहाँ पे दो सिचुएशन, ये एक अगर आपके पास सर्कल है ठीक है ये आपके पास सर्कल। अब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर जो है वो सर्कल में जो है वो घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड यानी कि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो सेम है। तो अगर स्पीड सेम है इट्स मीन उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम आ रही है। अगर टाइम के लिहाज से आप नहीं देख रहे उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा कांस्टेंट वेलोसिटी रह रही है तो इट्स मीन उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट, एक्सीलरेशन में उससे चेंज नहीं आएगी। बट अगर हर पॉइंट पे उसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है तो फिर उसकी एक्सीलरेशन में भी क्या होगी चेंज आएगी। यहाँ पे ये जो लिखी है वर्डिंग इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ वेलोसिटी कि अगर एक्सीलरेट करे वो बॉडी उसके एक्सीलरेशन में चेंज आए वेलोसिटी के लिहाज से देन इट हैज़ यानी कि अगर एक्सीलरेट करेगी इट्स मीन उसके वेलोसिटी में चेंज आई है यानी कि उसके एक्सीलरेशन में चेंज आई है क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देन इट कैन चेंज आइदर स्पीड और डायरेक्शन फिर वो कर सकती है कि अपनी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज कर ले मोशन। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रही तो फिर उसकी डायरेक्शन और जो स्पीड है कॉन्स्टेंट रहेगी एक ही डायरेक्शन। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ इट इज़ फाउंड दैट द सेंटीपेटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था उसका फार्मूला क्या था वो हमारे पास था एफ इज़ वो भी फोर्स और एक्सीलरेशन के दरमियान में था एफ इज इक्वल टू एम ए। तो वहाँ पे भी क्या फाउंड करता था वो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो वो क्या फाइंड आउट कर रहा है कि सेंटीपेटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कि वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ट्रैवल कर रहा है तो उस पर सेंटीपेटल फोर्स एक्ट कर रही है ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। अब हमने इसको क्या क्या रिलेट कर दिया ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और ये जो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमेशा उसके सेंटर की तरफ होगी सर्कल के यानी कि इसके सेंटर पर एक्ट करेगी यहाँ पे सर्कल के सेंटर में। तो अब जो फोर्स है अब फोर्स अगर आप अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसकी एक्सीलरेशन में चेंज आएगा ठीक है क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम रिलेट करें दोनों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और सेंटीपेटल फोर्स को इसी को फर्दर मैं देखती हूँ यहाँ पे द सेंटीपेटल फोर्स फार्मूला इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये टेंजेंट होता है टेंजेंशियल जो वर्ड यूज किया है टेंजेंट से टेंजेंट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है उसकी वेलोसिटी जो है अगर कॉन्स्टेंट रह रही है या टेंजेंट के लिहाज से चेंज करिए टेंजेंट होता है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लें उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी को वो कैलकुलेट करें टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी वो टेंजेंट के अलोंग जो है वो वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय द रेडियस इन मीटर्स ये तो यूनिट्स हैं इसके ठीक है आपको पता है कि जो मास है वो किलोग्राम में हम लेते हैं वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है और रेडियस हमारे पास सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस होता है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं विच इम्प्लाइज दैट ऑन डबलिंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी द सेंटीपेटल फोर्स विल बी क्वाड्रल। अब ये एक आपके पास छोटी सी असाइनमेंट है ठीक है ये वाला जो वर्डिंग है ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना है कि अगर किसी सेंटीपेटल फोर्स क्या होगी अगर हम उसकी वेलोसिटी को डबल करें ये बाय द फार्मूला आपने इसको कैलकुलेट करना है ये छोटी सी आपके लिए असाइनमेंट है
नहीं करेंगे तो आपके लिए लॉस होगा, अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, कि अगर उस इलास्टिक को डबल करना है सेंटीपेटल फोर्स क्या होगी। फार्मूला में ही उस इलास्टिक को आपने डबल कर लेना है और सेंटीपेटल फोर्स देखना है कि वो कितनी है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला ये किस तरह से, एफ सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर आर। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो वो क्या था हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए। और अगर सेंटीपेटल फोर्स इसको रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। और ए सी की वैल्यू मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि जो हमारे पास सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी स्केयर ओवर आर, बी स्केयर ओवर आर। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्केयर ओवर आर। ये सेंटीपेटल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने इसमें पुट की है। सिंपल एक्सीलरेशन और सेंटीपेटल एक्सीलरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंपल जो है आपके पास बी ओवर टी होता है और जो आपके पास सेंटीपेटल का होता है वो बी स्केयर ओवर आर होता है। वो आर इसमें क्यों टर्म हम यूज करते हैं कि देखिए आप सिंपल है, कोई भी ब्रेक मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है टाइम के लिहाज से। अगर दायरे में मूव करता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, यानी कि वो रेडियस के अलोंग करता है। इसलिए हम रेडियस के अलोंग इसकी जो है वो कैलकुलेशन करके ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेंटीपेटल एक्सीलरेशन की, बी स्केयर ओवर आर। एम ए सी F इज द सेंटीपेटल फोर्स, यानी कि एम ए सी के इक्वल है तो इसको एफ सी लिखेंगे हम यहाँ पे, ये इसकी सेंटीपेटल फोर्स है। ए सी इज द सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इज द रेडियस। ये जो है वो आप कर लें तो ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है इसकी टर्निंग का कार। अब देखिए कोई भी मोड़ आता है, कोई भी टर्न आता है तो कार जो है वो एक सर्कल से कर्व से पाथ में जो है वो टर्न करती है, तो वहाँ पर भी सेंटीपेटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो टर्न जो करती है सेंटीपेटल फोर्स की वजह से करती है। हियर द सेंटीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील। जो कार के टायर्स होते हैं और जो फ्रिक्शन होती है ग्राउंड की अर्थ की, जिसकी वजह से हम जमीन पर चलते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम स्लिप होते हैं जमीन पर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो हमारे शूज़ और अर्थ के दरमियान में होती है हम जो है वो स्पेसली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होती है, जहाँ पे प्लेन फर्श बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत स्लिपी से, वहाँ पे शूज़ जो है वो स्लिप करते हैं, वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स और ग्राउंड के दरमियान में जो होते हैं व्हील, ठीक है, टायर जो आपकी कार के और जो ग्राउंड, उनके दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये सेंटीपेटल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है, जो उसको कर्व्ड पाथ में करवाती है गाड़ी। प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। अब सूरज के गिर्द सितारे जो है वो, सूरज के गिर्द जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट करती है, सर्कुलर प्लैनेट करती है, ठीक है, उसके अराउंड, तो वहाँ पे भी कौन सी फोर्स प्रोवाइड होती है, सेंटीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। अब वो किस वजह से ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो है वो तो प्रोवाइड होती है, वहाँ पर प्रोवाइड होती है सेंटीपेटल फोर्स जो उसको दायरे। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कर्व पाथ में मूव करता है तो उसकी अगर आप सेंटीपेटल फोर्स है तो वो आप बता सकते हैं कि सेंटीपेटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और किस वजह से हो रही है। वहाँ पर आप सिचुएशन देखेंगे कौन सी सिचुएशन कि यहाँ पे किस फोर्स की वजह से फोर्स हमें मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ा सेंट्रीपेटल फोर्स, अब हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन अगर आप देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, एंड एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स, और अगर को इस तरह से फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि आउटवर्ड फोर्स, बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिर उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखें, सिंपल एग्जांपल वॉशिंग मशीन की, कि आप उसके सेंटर वाले व्हील को देखें कि जो मूव करता है, उसमें आप कपड़े डालते हैं तो वो मूवता है गोल, लेकिन कपड़े जो है वो साइडों पे जाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं।
तो यानी कि वो सर्कल फॉर्म में रोटेट करता है उसका व्हील, लेकिन उसको वो क्या करता है, जो आपके कपड़े हैं वॉशिंग मशीन के उन पे फोर्स लगाता है आउटवर्ड, वो जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट अराइजेज फ्रॉम द बॉडी इनर्शिया एंड अपीयर्स टू एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर फॉर्म। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि वो राइज होती है फ्रॉम द बॉडी इनर्शिया। अब उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी का जो इनर्शिया होता है रेजिस्टिव होती है या अगेंस्ट द फोर्स उसके अप्लाई होती है, उसको उसकी वजह से भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अपेयर्स टू एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है उसके अगेंस्ट वो फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो वो उस सब्जेक्ट का जो सर्कल पाथ में कर रही है उसके इनर्शिया की वजह से उसको आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर अराउंड द बॉडी। अब ये किस तरह से होती है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है सर्कुलर फॉर्म में कर रहे, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो उसको दायरे में घुमाती है। ठीक है, अब ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड उसको लगेगी, ठीक है, उसको बाहर की तरफ फील होगी कि ये जो सेंटर है पार्ट इससे अवे जाएगी, वो सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की और फोर्स की टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये इसकी अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड फोर्स होगी इसलिए अवे फ्रॉम द सेंटर अराउंड विद द बॉडी इसके अलोंग बॉडी सेंटर के पॉइंट के अलोंग करिए तो ये अवे होगी, इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। This force is depend on the mass of the object, the distance from the center of the circle, the speed of rotation. इन तीन चीज़ों पर ये फोर्स जो है वो डिपेंड करती है। ये वो स्लाइड फिर दोबारा रिपीट की गई है, जस्ट आप पॉइंट उसके लिखिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि हर उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है जो भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हम उसको किसी पॉइंट के किसी रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो करते हैं देखते हैं, कि मतलब अगर आप रेफरेंस पॉइंट से नहीं देखेंगे वैसे देखेंगे वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई रेफरेंस पॉइंट आपको बता देता है कि इस पॉइंट से आप उसको देखें तो फिर वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है। सम एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर गिवन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल और ऑन द इक्वेटर, अ बाइक मेकिंग अ टर्न, व्हीकल ड्राइविंग अराउंड अ कर्व। ठीक है, यहाँ पे अगर बाइक मेकिंग अ टर्न, अगर कोई मोटरसाइकिल जो है बाइक जो है वो टर्न कर रही है तो आप देखेंगे अगर उसका एक तरफ वेट जो है वो ज़्यादा हो जाए सेंटीमीटर की वजह से मैस, तो वो दूसरी साइड पे जो है वो गिरने लगती है। ठीक है, वहाँ पे भी ये फोर्सेस जो है वो एक्ट करती हैं, व्हीकल ड्राइविंग अराउंड द कर्व, कोई भी व्हीकल है कोई भी गाड़ी है वो अराउंड द कर्व जो है वो पाथ कर रही है, उसके दोनों फोर्सेस ये जो है वो एक्ट होंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ और सेंट्रीपेटल फोर्स उसके सेंटर की तरफ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पोल, ठीक है, इसी तरह से वेट जो है वो भी एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से दो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिफरेंस हम देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में तो हम कहते हैं कि वो उसमें जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है एंड एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड फोर्स, और वो एक्सपीरियंस करता है कि आउटवर्ड फोर्स जो है वो आउटवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द ऑब्जेक्ट हैज़ द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब ये जो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग द सेंटर। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज इसकी जो आपके पास
और इसी तरह से जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें आप देखें तो द ऑब्जेक्ट हैज़ द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखें एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, अब वो इसकी बाउंड्री पे जो है मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो वो कह रहे हैं डायरेक्शन यहाँ पे, ये इसका सेंटर है इस सर्कल का, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब कहते हैं ऑब्जेक्ट हैज़ द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग द सेंटर। अब ये ऑब्जेक्ट की इसकी डायरेक्शन इसके सर्कल की तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। लेकिन यहाँ पे आप देखें द ऑब्जेक्ट हैज़ द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग ही होगी लेकिन, ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर अप्रोचिंग द ऑब्जेक्ट, कि इसकी सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे मूव कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, अवे उससे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, और इसकी इस तरफ को जब ये इस तरह से गाड़ी मूव करती है, इस तरफ को आती है, तो इसकी डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी आउटवर्ड, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट ये देखें इसका थर्ड पॉइंट, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। कि इसी तरह से जैसे सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट भी एक सर्कुलर फॉर्म में आप लेते हैं उसको, ठीक है, तो ऑर्बिट के अराउंड सैटेलाइट जो है वो एक प्लेनेट के अराउंड जो है वो राउंड जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी उस वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से मड फ्लाइंग की ऑफ अ टायर, के टायर जब गाड़ी चल रही होती है आप देखते हैं तो वहाँ से मट्टी उड़ती है साइडों पर, तो वो भी आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होती है, तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस है, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरह से आप उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। यहाँ देखें क्लियरली जो भी मैं आपको डिफरेंस पढ़ाया है उसमें देखें कि यहाँ पर ये डायग्राम से शो है कि ये जब इस तरफ को मूव करती है अलॉन्ग द डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पर सर्कुलर फॉर्म में घुमा रही है, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो उसके आउटवर्ड लगेगी। तो इस तरह से भी आप इसकी, और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज अ वॉशिंग मशीन, जिसमें आप कपड़े डाल के जो है वो वॉश करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वो जो सेंटर वाला व्हील है वो इस तरह से घूमता है और कपड़े जो है वो आउटवर्ड यानी कि उस सेंटर से आउटवर्ड जो है वो मूव करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।